क्या याद मेरी आती नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल बाबा दर्श ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? आज हम फिर एक नई वीडियो आप लोगों के बीच लेकर आ गए हैं, जहाँ पे एक बेटी ससुराल जाने के बाद अपने पिता को एक बहुत ही वेदना भरा पत्र लिखती है। दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। सबसे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। जो बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, छुपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माने बताया था, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई मेरी फ्रॉक भी आई, अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचाओ मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या याद मेरी आती नहीं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना हमारे कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, कहीं पे हमने ये वीडियो देखी, मुझे बेहद पसंद आई। इस वीडियो में इतना दर्द भरा हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। फिर मैंने सोचा क्यों ना हम इस क्लिप को यहां से निकाल के अपने दोस्तों के सामने रखूं। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।